हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कस्टमर ने आज चॉकलेट केक की डिमांड रखी है और कुछ डिज़ाइन देख के मुझे बोला कि कुछ इस तरह का बनाना है, तो मैंने ये बनाया है, तो इसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। केक मैंने रात को ही बना के केक स्पॉन्ज बना करके रख लिया था तैयार करके, सिर्फ इसकी डेकोरेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम केक बोर्ड पर थोड़ा क्रीम लगाएंगे और सबसे जो टॉप वाली लेयर होती है उसको सबसे नीचे रखेंगे और इसको शुगर सिरप से मॉइस्ट कर देंगे। इस तरह शुगर सिरप तो आपको बनाना आता ही होगा। इसमें चीनी पानी मिलाकर, एक चम्मच चीनी में 2 चम्मच पानी मिला देना, उसको मेल्ट कर लेना, रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो उसमें थोड़ा चॉकलेट गनाश भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में रखेंगे क्रीम ढेर सारा और इसको अच्छे से पैलेट नाइफ से इस तरह से फैला देंगे। अगर कम लगेगा तो और डाल करके एक लेवल में फैलाना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, सही तरीके से जो एक लेयर बन जाए, कुछ इस तरह इसको हम फैला देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। और अभी हम इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट गनाश, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने बोला था हमको लबालब चाहिए, कि मतलब चॉकलेट का टेस्ट एकदम खाते ही बहुत टेस्टी वाला। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, कस्टमर ने जैसे बोला है वैसे बना देते हैं। इस तरह इसको स्प्रेड कर लेंगे, सेकंड लेयर रखेंगे, उसको भी शुगर सिरप से मॉइस्ट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और वापस से क्रीम रखेंगे और उसको भी अच्छे से फैला लेंगे इवनली, इस तरह इक्वल बिल्कुल बराबर सी लेयर करते हुए, कुछ इस तरह फैला करके फिर इसके ऊपर भी गनाश ऐड कर देंगे। इस बार थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ जिससे टेस्ट अच्छा आए। और इसको भी इस तरह से फैला लिया है। अभी हम थर्ड लेयर रखेंगे और इस पे शुगर सिरप ऐड करेंगे फिर से। पूरे को अच्छे से भर भर के लगा देना है, जिससे खाने के बाद कस्टमर बोले हाँ कि टेस्ट है, सच में बोले हाँ भाई सच में टेस्ट है। फिर से वापस से क्रीम रखेंगे और अब हम, ये हमारी फाइनल लेयर है, तो इस बार क्रीम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और इसको अच्छे से ठीक तरीके से फैलाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि आपके जो केक के क्रम्स हैं वो ऊपर ना लगने पाएँ। अपने पैलेट नाइफ को साफ़ करते हुए अच्छे से उसको यूज़ करना है। और देखिए साइड से भी इसके क्रम्स कोटिंग कर लेंगे इस तरह। और अभी हम साइड में क्रीम लगाएंगे और इसको पूरे को कवर करेंगे, थोड़ा मोटा क्रीम लगाएंगे। मोटा क्रीम लगाने से इसकी जो फिनिशिंग है ना वो अच्छी हो जाती है। बहुत मोटा भी नहीं लगाना है, आप अपने हिसाब से थोड़ा मीडियम सा मतलब ठीक से लगा लीजिए। उसके बाद इस तरह देखिए, कहीं ऊपर से आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो उसको भी पैलेट नाइफ से बिल्कुल प्लेन बेस देना है अच्छे तरीके से इसको। अभी हम इसकी फाइनल फिनिशिंग कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें बाद में डिज़ाइन भी बनाना है इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट ही चली गई पूरा, मेरे को रिकॉर्डिंग करना था वो पूरा छूट गया, वीडियो बनाना था। अब यहाँ पे मैंने फाइनल लुक दिया है, देखिए आधे में चॉकलेट ऐड किया है, आधे में इस तरह से स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं वाइट क्रीम पे और थोड़ी ड्रिप ड्रिप चॉकलेट गिरा दी है और नीचे बॉर्डर बना दिया है, ऊपर बॉर्डर बना दिया है। बहुत सिंपली डिज़ाइन भेजा था मैंने, बहुत इजीली बना दिया। और चॉकलेट जो गनाश है उसके ऊपर थोड़े से मैंने सिल्वर बॉल्स डालकर सजा दिया है और ये केक रेडी हो गया है। तो मुझे कमेंट करके बताइए केक डिज़ाइन कैसी लगी। कस्टमर ने तो डिज़ाइन भेजा था, उनको तो देखते ही पसंद आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई वीडियो में, नई रेसिपी, नई केक डिज़ाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।